नमस्कार दोस्तों, कैनडा की तरफ से काफ़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ लीड करती है TR2PR एप्लीकेशंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। आप देख सकते हो कि क्यूबी की तरफ से स्पॉन्सरशिप वाली एप्लीकेशंस के ऊपर कैप लगा दिया गया है। जो फैमिली की स्पॉन्सरशिप वाली एप्लीकेशंस हैं, ओनली 13,000 एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, और कैप पीरियड रहेगा इनका। आज से ये कैप है जो स्टार्ट हो चुका है, और ये 25 जून 2026 तक कैप रहेगा। मतलब इतने पीरियड में ओनली 13,000 जो है पीआर वाली स्पॉन्सरशिप वाली एप्लीकेशंस को जे एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद जो एप्लीकेशन आएगी वो रिफ्यूज़ कर दी जाएगी या फिर उनको रिटर्न कर दिया जाएगा। इसमें स्पाउस वालों के लिए कैटराइज उन्होंने सारा किए हुए आपके ऊपर, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हो। मतलब क्या है कि जब ये कैनेडा है जो क्यूबिक में हो गया, इसमें जो बाहर से जो पीआर वाली एप्लीकेशंस है उनको कम करने की कोशिश है कहीं ना कहीं दिख रही है। अगर आप न्यूज़ देखोगे, कनाडा ने बोला है, कनाडा ने जो अपना सेट किया है, रिकॉर्ड किया है कि हम 4,85,000 के अराउंड इस साल पीआर करेंगे, 5,00,000 नेक्स्ट ईयर, 5,00,000 उसके नेक्स्ट ईयर। मतलब कि नियर अबाउट 15,00,000 जो लोगों को आने वाले 2-3 सालों में पीआर करेंगे। सो उसमें पीआर देंगे किनको, ठीक है? मेन मुद्दा इनका पीआर देना नहीं है, मेन मुद्दा इनका है पीआर देना किनको, जो कनाडा में बाहर से लोग आ रहे हैं या जो कनाडा में ऑलरेडी टेम्परेरी रेजिडेंस में। मतलब क्या है, अगर आप देखोगे आपके पास ये एक आ रहा होगा जो मार्क मिलर ने कहा था कि उन्होंने टेम्परेरी रेजिडेंस वाले जो एप्लीकेंट है उनको रिड्यूस करना है। उनको रिड्यूस कैसे होगा, उनको बाहर तो वो निकालेंगे नहीं, उनको परमानेंट रेजिडेंस देकर, ठीक है? जो मेन मुद्दा है उनका कि जो टेम्परेरी रेजिडेंस वाले हैं, स्टडी हो गया, विजिटर हो गया, ठीक है, या फिर उसके बाद वर्क परमिट वाले हो गए, इवन अनएजुकेटेड अनडॉक्यूमेंटेड जो लोग हो गए जिनके पास असाइलम भी नहीं है, कि सारे रिजेक्ट हो चुके हैं, उनको जो पीआर देंगे, ठीक है? मतलब क्या है कि बाहर से लोगों को कम बुलाएंगे और जो ऑलरेडी टेम्परेरी रेजिडेंस पे है कैनेडा में उनको ज़्यादा कोशिश करेंगे पीआर देने के लिए। क्यों, इसके पीछे काफ़ी रीजंस है। उनको उन्होंने जो, अगर आप जो नीचे देखोगे, करंटली जो है कि टेम्परेरी रेजिडेंस जो एप्लीकेंट्स हैं वो ऑलरेडी अवेयर हैं, ठीक है, कैनेडियन रूल से, वो ऑलरेडी कनाडा में रह रहे हैं, उनको रूल्स का पता है, उनको एटमॉस्फेयर का पता है, और ऑलरेडी वो जो काफ़ी जॉब्स हैं जहाँ पे जॉब शॉर्टेज है वो ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। सो उनको पीआर जी देने का वादा नहीं कर रहे, बट एक स्ट्रेटेजी है जो हमारे सामने निकल कर आ रही है। उसके बाद अगर आप देखोगे कनाडा में करंटली 2.5 मिलियन टेम्परेरी रेजिडेंट जो एप्लीकेंट है कनाडा में इस टाइम रह रहे हैं, ठीक है, जिसमें से उन्होंने शॉर्ट आउट भी किए हुए कितने स्टडी परमिट पे, कितने वर्क परमिट पे, बट जो है जो नंबर काफी ज्यादा है, जो उन्होंने सेट की थी लिमिट सेट की थी उससे जो नंबर है काफी ज्यादा है। जो उन्होंने लिमिट सेट की हुई है 5% की हुई थी, और ये अब आगे आने वाले 1-2 सालों में रिड्यूस भी करेंगे 2-5%। मतलब जितनी कैनेडियन सिटीजन हैं, जितने कैनेडियन सिटीजन हैं, जितनी उनकी पॉपुलेशन है, उसका करंटली 6.2% जो लोग हैं वो टेम्परेरी रेजिडेंस है, और इसको रिड्यूस करके वो 5% लेकर जाएंगे, चाहे तो वो उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया वो वापस जाएंगे, चाहे वो उनको पीआर करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, ये यही अंदाज़ा दे रही हैं कि जो ऑलरेडी टेम्परेरी रेजिडेंस पे हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी पीआर देने के लिए। अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो टेम्परेरी रेजिडेंस है उनकी ग्रोथ पिछले कुछ सालों में, महीनों में काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ठीक है, और नंबर्स में भी बहुत ज़्यादा हो रही है। सो यही मेन कंसर्न है आज की डेट में कैनेडियन गवर्नमेंट का। मतलब क्या है कि उन्होंने पीआर तो एक नंबर अपना सेट कर दिया कि हमने 5,00,000 एक साल में देने हैं, बट 5,00,000 देंगे किनको, ठीक है? वो देंगे उनको जो जॉब्स कर रहे हैं, स्किल्ड जॉब्स कर रहे हैं, टेम्परेरी रेजिडेंस पे हैं, ऑलरेडी कैनेडा में ऑलरेडी रह रहे हैं, वो जॉब शॉर्टेज को मीट कर रहे हैं, ठीक है, और हाउसिंग हो गया, हेल्थ केयर में हो गया, कंस्ट्रक्शन में हो गया, वो जो जॉब शॉर्टेज वाली एम्प्लॉयमेंट हैं उनमें जो काम करें उनको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है जो पीआर देने में दी जाएगी। उसके बाद जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं उनको भी कनाडा जो है पीआर देगा, ठीक है। मतलब क्या है, जिन्होंने असाइलम ली थी वो भी रिजेक्ट होगी, जिनका वर्क परमिट एक्सपायरी डाली थी वो भी रिजेक्ट होगी, उनको भी पीआर देंगे। करीब जो अराउंड दीज लोग हैं, जो अराउंड ऐसे लोग हैं अनडॉक्यूमेंटेड या फिर असाइलम वाले, अराउंड 60,000 के अराउंड जो उन्होंने एक ग्राफ दिया था कि इसके अराउंड हमारी एक्सपेक्टीज है जो लोग हैं उनको भी प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि उनका मानना है कि काफ़ी उनके बच्चे हैं जो ऑलरेडी सिटीजन है कैनेडा में रह रहे हैं, और वो बुजुर्ग हैं, वो कंस्ट्रक्शन की काफ़ी जो जॉब्स हैं वो कर
रहे हैं वो हेल्थ केयर में जॉब्स कर रहे हैं, वो ठीक है एग्रीकल्चर में काफ़ी जॉब्स कर रहे हैं, जिनकी जो कि न्यू अगर उनको निकाला जाएगा तो न्यू कमर्स के पास इतनी नॉलेज नहीं होगी उन चीज़ों को टैकल करने के लिए। सो मतलब क्या है, इस सारी का कंक्लूजन क्या है, इस सारी न्यूज़ का कंक्लूजन क्या है, इतनी रिसर्च की थी, इतने सारे पेपर्स मेरे पास हैं, मतलब क्या है कि जो ऑलरेडी कैनेडा में है टेम्परेरी रेजिडेंस पे है, चाहे वो कोई भी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उनको एज कम्पेयर टू जो इंडिया से या किसी और कंट्री से पीआर अप्लाई करेगा उससे ज़्यादा जो है प्रायोरिटी मिलेगी, प्लस वो जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं उनको भी प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। सो मतलब क्या है कि मुद्दा क्या है जहाँ पे टेम्परेरी रेजिडेंस वालों को रिड्यूस करने का है, अगले आने वाले फ्यू ईयर्स में आपको पता है कि जी कैपिंग स्टार्ट होगी, जैसे कि मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था कल वाली वीडियो में कि बहुत ही कम एप्लीकेशंस लग रही है एज कम्पेयर टू 2023 में 7 लाख कुछ थाउजेंड एप्लीकेशंस लगी थी, ठीक है, और अगर अब स्टडी वीज़ा की बात कर रहा हूँ, अगर मैं 2024 की बात करूँ तो आज की डेट में अभी तक अप्रैल जून तक सिर्फ अराउंड 2 लाख एप्लीकेशंस ही सबमिट हुई हैं, जिसमें कि 50% ही अप्रूवल रेट है, ठीक है, वो इंडिया नहीं वो ऑल ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जो टेम्परेरी रेजिडेंस के ऊपर है इन्होंने कस बना कर रखी है कि उनको रिड्यूस करना है डे बाई डे। सो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड आल्सो सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। नमस्कार, सत श्री अकाल।